चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर एक शहर पे। इस शहर का नाम है कोटद्वार। और नमस्कार, मेरा नाम सौरव और एक बार फिर मैं आ चुका एक नए व्लॉग के साथ। आज हम जाने वाले हैं एक खूबसूरत शहर कोटद्वार में। वैसे ये शहर अगर देखा जाए तो बहुत छोटा शहर है, 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये शहर। इस पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत प्रसिद्ध चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा चर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, जिस जगह पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर जिसका नाम है बाबा सिद्धबली। ये शहर अपने आप में ही पहले तो बहुत ख़ास है और कोटद्वार का मतलब ही होता है जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं। कोटद्वार का मतलब बेसिकली यही है कि जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ पर उसको कोटद्वार कहा जाता है। अब वैसे ये एक भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र आपको पहले मैं बता दूं कि ये क्या होता है। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब पहाड़ से जो पठार होता रहता है, मींस पहाड़ से जो एंड में जहां पर प्लेन होना स्टार्ट होता है उस जगह को भाबर कहा जाता है। तो ये वहीं पर स्थित है और ये एक बहुत प्रसिद्ध नदी, खो नदी के किनारे पर यहाँ पर सिद्धबली बाबा जी का मंदिर है। अब यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा है, अभी मैं और अपनी मम्मी के साथ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से आरती होती है शाम की, और सुबह की आरती भी होती है। सुबह की आरती इस वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं सुबह आया था और सुबह आते ही मैं थोड़ा रेस्ट करने लगा, तो मैं सुबह तो यहाँ पर नहीं आ पाया। पर मैं शाम को यहाँ पर आया हूँ मम्मी के साथ और वहाँ पर जो आरती होती है वो सच में आप देखते ही आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। हालांकि अभी जो भी गर्मी का जैसे आलम चल रहा है और अभी जो टेम्परेचर है 50-55 डिग्री पहुंच चुका है बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में, पर अभी आप मौसम देख कर अनुमान लगा पा रहे होंगे कि इतनी गर्मी नहीं है, अच्छी खासी हवा चल रही है। या शायद आज ही यहां पर मौसम ऐसा हुआ है, बट आज यहां पर बहुत सही मौसम हो रखा है। इस वजह से मैंने कहा मम्मी चलो फटाफट चलते हैं मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और जो भी यहां का नेटिव प्लेस में रहने वाला है तो उसे पता है कि यहाँ की मान्यता क्या है। और शाम के टाइम पे सच में यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है इतना अच्छा लगता है, और वो जब भी वहाँ पर जो आरती होती है उसकी आवाज़ सुन के तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो अभी आए हैं तो थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं और आगे चलते हैं। और थैंक यू एवरीवन मेरे लास्ट वीडियोस पे इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देने के लिए, क्योंकि मेरे लास्ट रिस्पांस की वजह से मेरे 1000 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। और थैंक्स एवरीवन, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मुझे बस अपना ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी सिद्धबली मंदिर में। तो सबसे पहले मैं मंदिर पर जाके नीचे ही हमारे पास यहाँ पर प्रसाद मिल जाता है तो प्रसाद लेते हैं। और देख रहे होंगे आपको शिखर पर एक आपको चोटी दिख रही होगी, वहाँ पर आपको मंदिर है रेड कलर में जो दिख रहा होगा वहाँ पर हम जाएंगे। अभी शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। वैसे भीड़ अभी भी स्टार्ट हो चुकी है, बस मैं फटाक से जाता हूँ और सबसे पहले अपने शूज़ वहाँ पर रखवा दूँगा और उसके बाद प्रसाद लेके हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मैंने लगा ली है गाड़ी पार्किंग पे। तो फाइनली भी हम पहुँच चुके हैं। मेरे पूरे बाल खराब हो गए हेलमेट पहन के, मेरे पूरे बाल ख़राब हो गए थे हेलमेट पहन के। ये हमेशा का ही होता है क्योंकि मेरे बाल बड़े फ्रीजी हो गए थे। मैंने ऑलरेडी, आपने मेरा पूरा अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉग भी देखते हैं तो मैंने बालों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए थे, इस वजह से मेरे बालों की टेंडेंसी बहुत ख़राब हो चुकी है। फिलहाल मैंने इतने बना लिए हैं कि एटलीस्ट इतना ख़राब ना लगे। शूज़ मैंने दे दिए हैं वहाँ पर और शूज़ की जगह मुझे टोकन मिल चुका है। अब मैं पहुंच चुका हूं सिद्धबली बाबा का मंदिर है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। यहां से अब सबसे पहले एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और बी अवेयर यहां पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। और ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं कि कहीं बजरंगबली का मंदिर हो और वहां पर बंदर ना हो। तो यहां बंदर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे तो उनसे थोड़ा सा अवेयर रहें। और बस यहां पर आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है। और पता है सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगती है इस मंदिर की कि देखो आप जैसे निकलेंगे तो हमारा कल्चर वहां पर बताया जाएगा। देखो हर एक उस पर पोर्ट्रेट करा हुआ है हमारे भगवान के साथ, उस पर हमारा जो गढ़वाली टेक्सचर है मतलब कल्चर है वो सारी चीज़ वहाँ पर मंदिर पे वहाँ पर दिखेंगी आपको। और हमारा जो ट्रेडिशन है वो सारी चीज़ दिखती है। बस आपको वहाँ से सीढ़ी आगे चढ़ते हैं और यहाँ पर ही आगे आपको पहले हाथ पैर धोने पड़ते हैं। और हाथ पैर धोने के बाद वहाँ पर बेसिकली हमारे यहाँ पर प्रसाद के लिए दो चीज़ दी जाती हैं, एक तो नारियल दिया जाता है और दूसरा गुड़ दिया जाता है। वो भी ऑलमोस्ट सब हनुमान मंदिरों में सेम चीज़ होता है, बट यहाँ पर गुड़ हमारे उसमें गुड़ को भेली कहा जाता है। अब भेली के लिए वहाँ पर आपको एक स्पॉट दिख रहा होगा, अभी वीडियो पे मैं शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ पर यहाँ पर देख रहे होंगे, हाँ यही वाला स्पॉट है। यहाँ पर उस नारियल को फोड़ा जाता है और भेली के लिए वहाँ पर एक औजार रखा रहता है, उसके हमें तोड़ना पड़ता है और वो चढ़ता है ऊपर भगवान को।
और भगवान को चढ़ने के बाद उसको वही प्रसाद हमें वापस दिया जाता है और उसे हम वापस अपने घर ले जा सकते हैं, खा सकते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर चढ़ गए। मम्मी का तो आज बिल्कुल मुझे लग रहा है बिल्कुल आज बहुत एक्टिव हो रही है मेरी मम्मी, तो बहुत जल्दी जल्दी चल रही है। तो जैसे मम्मी चली गई है और ये है फ्रंट, यहाँ पर से ही एंट्री होती है सिद्धबली बाबा की। तो अभी आपने देख रहे होंगे मेरे अगर बैकग्राउंड में आपको हल्के हल्की आवाज़ सुन रहे होंगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है आरती, स्टार्ट हो चुकी है। हम थोड़ा सा लेट हो गए और शायद जगह भी ना मिले। देखो यहाँ सीढ़ी तक लोग बैठे हुए हैं तो शायद अभी जगह तो बहुत मुश्किल ही मिलेगी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अभी यहाँ पर। लिटरली आप यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल स्पिरिचुअली अपने को बहुत लाइट महसूस करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही होगी बाबा सिद्धबली बाबा जी की मूर्ति। अभी मतलब ये सब चीज़ जैसे चल रहा है ये बाकी पूरा ये इन्वायरमेंट है ना, मुझे ऐसा लग ऐसा खुद से अंदर से फील हो रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो आप कभी भी आएँ तो शाम की जो आरती है या सुबह की आरती है उसको कभी भी मिस ना करें और यहाँ पर आके आप यहाँ पर बस आके बैठ जाएं, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सच में आपको वो आई थिंक आपको वीडियो में शायद वो फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको ये सेम चीज़ फील हो रही है या नहीं हो रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ बैठने के बाद सच में मेरे को पूरा बहुत लाइट सा फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे फील हो रही है। बस अब हम सब यहाँ आरती के लिए खड़े हो गए हैं, आरती स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आने के बाद कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, शाम को बैठते हैं, घंटा दो घंटा बैठते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर कोई आप में से कोई भी करना चाहता है यहाँ पर आ सकते हैं। लोकेशन मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यहाँ की। आरती समाप्त तो होते ही हम यहाँ पर आ चुके हैं आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर पंडित जी द्वारा हमारे को यहाँ पर टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के बाद हम आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं लोग सब मांगेंगे और उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। और ये ही जगह बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर और यही इसको थोड़ा सा अलग बनाती है यहाँ पर का जो लोकेशन है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी यहाँ पर आके चुन्नी बांधता है उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है और जब भी वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो वहाँ पर चुन्नी खोलने आता है। तो ये यहाँ पर का एक रिचुअल है और जो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी व्यू देखेंगे आप इस टाइम पे, शाम के टाइम पे इतना अच्छा व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और दूसरा स्पिरिचुअली आपको इतना लाइट फील होगा ना यहाँ पर। यहाँ पर धूप जलाने के बाद, अब धूप जलाने के बाद हम जा रहे हैं आगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आगे शिव जी का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो बस यहाँ से आके जाते हैं और वहाँ ट्रेडिशनल तरीके से ढोल दमाओं के साथ वहाँ पर भगवान जी को शाम को आरती दी जाती है। तो यहाँ की आरती ख़त्म होने के बाद वहाँ पर नीचे इसी मतलब सिद्धबली बाबा मंदिर के अंदर ही थोड़ा आगे जाके हमारे यहाँ शिव जी का भी मंदिर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी के ही अवतार हैं हनुमान जी, तो शिव जी का भी मंदिर होगा ऑब्वियस ही बात है। सो वहाँ पर उनकी धुनि जलाई जाती है, अखंड जोत जलती है वहाँ पर और उसी के बगल में वहाँ पर ढोल दमाओं के साथ वहाँ पर उनकी पूजा होती है और उनका जैसे आरती ख़त्म होती है और उसका ढोल दमा वहाँ पर बजते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा ट्रेडिशनल तरीका क्या है, तो आप मेरे साथ वीडियो पर आगे बने रहें। Thank you.
यहाँ पर हुड़के की आवाज़ सुन के कसम से यहाँ पर मेरे गूज बम्स निकल चुके थे। अभी हम आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पर भैरव जी का मंदिर भी है। आगे जाके यहाँ पर बड़ा सा पेड़ है और उसके नीचे भैरव जी की मूर्ति है। बस वहाँ पर अभी तेल चढ़ाते हैं, शनिवार मंगलवार को यहाँ पर सब लोग तेल चढ़ाते हैं और उसके बाद एक परिक्रमा करनी पड़ती है और वो परिक्रमा कम्प्लीट करके हम भी निकल जाएंगे अपने घर के लिए। वीडियो को यहाँ तक अगर देख लिया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा और कमेंट पे जय श्री राम या फिर जय हनुमान जी लिख सकते हैं आप। और गाइस मिलता हूँ अभी और किसी ऐसे व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा, सबा खैर, मिलते हैं ऐसे किसी और व्लॉग के लिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय।